मेरी पिछली कई वीडियो में मुझे एक कमेंट आया कि सर मैं अपनी कामवासना की तीव्र इच्छा से छुटकारा पाना चाहता हूँ। जब भी मैं इसे छोड़ने की कोशिश करता हूँ, इससे छुटकारा पाने की कोशिश करता हूँ, तो यह मुझ पर और ज़्यादा हावी हो जाती है। हम लोग अक्सर किसी न किसी चीज़ से छुटकारा पाने के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जोर जबरदस्ती करके किसी चीज़ से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। अगर हम किसी चीज़ को जबरदस्ती छोड़ना चाहें तो यह किसी और रूप में उभर कर सामने आने लगती है और हमारे भीतर एक दूसरा विकार पैदा कर देती है। ऐसी ही एक चीज है कामवासना। कामवासना जिसे अकेले में हर कोई भोगना चाहता है। अगर आप कामवासना को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वह कामवासना पूरी तरह से आपके दिमाग व चेतना पर हावी होने लगेगी। देखिए, हम किसी चीज को तभी छोड़ सकते हैं जब उस चीज की तुलना में दूसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पुरानी चीज का महत्व कम होने से अपने आप छूटने लगती है। आपने कभी गौर किया है कि जो लोग बौद्धिक कार्यों में ज्यादा डूबे रहते हैं, वे सेक्स करने की बजाय कोई किताब पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। आज हम सब जानते हैं कि काम सुख ही सबसे बड़ा सुख है। हमारी काम वासना के तीव्र होने का यही सबसे बड़ा कारण है। क्यों, है ना? अगर कोई आपसे कहता है कि यह बुरी चीज है, इसे छोड़ दो, तो क्या वाकई आप इसे छोड़ पाएंगे? लेकिन अगर आप काम वासना से भी बड़ी चीज का स्वाद चख लें, तब यह अपने आप आपसे छूट जाएगी। फिर इसे छोड़ने के लिए आपसे किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने जीवन का थोड़ा सा समय ऐसी दिशा में लगाना होगा जिससे कि एक बड़ा आनंद आपके जीवन का हिस्सा बन सके, और वह चीज है योग। देखिए, जब भी आपको काम वासना पकड़े तो आपको क्या करना है? जब भी आपको काम वासना पकड़े तो आप अपने उस मूल को बांधिए जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, जहां से ऊर्जा, काम ऊर्जा बनती है, उसे बांध लेना है, उसे सिकोड़ लेना है। पतंजलि योग ने, हठ योग ने बहुत सी विधियां इजाद की हैं मूल को बांधने की। जब आपका मूल बन जाता है तो काम ऊर्जा स्वतः ही दब जाती है। मूल जब बन जाता है तो ऊर्जा अपने आप ऊपर की ओर उठने लगती है, और जब ऊर्जा का बहाव ऊर्ध्वाधर होता है तो आप काम वासना से मुक्ति पाने के पहले चरण में पहुंच जाते हैं। चलिए, काम वासना से बचने के लिए मैं एक प्रयोग बताता हूँ। जब भी आपको काम वासना पकड़े तो आप धीरे धीरे उस प्रयोग को करें। काम वासना स्वतः ही आपसे दूर हो जाएगी। जब भी आपको लगे कि काम वासना आपको पकड़ रही है, तब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप शांत होकर बैठ जाइए, जोर से सांस को बाहर फेंकिए। आपको सांस भीतर की ओर नहीं लेना है, क्योंकि भीतर की ओर जा रही श्वास आपकी काम ऊर्जा को नीचे की ओर धकेलने लगती है, जिससे आपकी काम ऊर्जा और तीव्र हो जाती है। जब भी आपको काम ऊर्जा पकड़े तो आपको श्वास को सिर्फ बाहर की तरफ फेंकना है। नाभि को भीतर की ओर खींचो, पेट को भीतर लो और श्वास को बाहर की तरफ फेंको, जितनी भी श्वास आप बाहर फेंक सकते हो। धीरे धीरे प्रयास करने पर यह आपसे सध जाएगा और आप श्वास को आसानी से ज्यादा बाहर फेंक पाएंगे। जब आप सारी की सारी श्वास बाहर फेंक देते हैं तो आपकी नाभि और आपका पेट एक तरह से वैक्यूम हो जाता है, खाली हो जाता है, और आप शून्यता की अवस्था में पहुंच जाते हैं। जब आपके भीतर शून्यता की अवस्था आ जाती है तो आपके भीतर की ऊर्जा शून्यता की ओर गमन करने लगती है। शून्य आपको खींचने लगता है, क्योंकि प्रकृति शून्य को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपने कभी नदी से पानी भरा होगा, जब भी आप घड़े को नदी में डुबोते हैं तो पानी में गड्ढा हो जाता है, और आप जैसे पानी को बाहर निकालते हैं तो चारों तरफ नदी का जल उस घड़े से बने गड्ढे को भरने की कोशिश करता है। इसी प्रकार जब हमारी नाभि और हमारा पेट शून्यता की अवस्था में पहुंच जाता है तो यह मूलाधार चक्र पे इकट्ठी हुई ऊर्जा दौड़कर नाभि को भरने की कोशिश करती है, और जब यह ऊर्जा उठकर नाभि और पेट को भरने की कोशिश करती है तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, एक अलग प्रकार का रस आपको महसूस होगा। जब भी आप यह प्रयोग पहली बार करेंगे, तब जो आनंद आपको प्राप्त होगा वह आनंद काम वासना से भी ज्यादा आपको आनंदित करेगा। एक अलग प्रकार की ताजगी आपको महसूस होगी। यह ताजगी ठीक उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की उदासी आपको संभोग के बाद प्राप्त होती है, जैसे ऊर्जा के स्खलन के बाद एक शिथिलता पकड़ लेती है,
एक रुग्ण दशा, एक विषाद, एक हारापन, एक थकान, तुम सो जाना चाहते हो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो संभोग का उपयोग केवल नींद के लिए करते हैं। पश्चिमी सभ्यताओं में तो डॉक्टर यह तक सलाह देते हैं कि अगर आपको नींद ना आए तो आप संभोग कर लीजिए। संभोग करने से आप थक जाते हैं, टूट जाते हैं, और जब आप थक जाते हैं और टूट जाते हैं तो आपको नींद आ जाती है। लेकिन वह नींद कोई स्वस्थ नींद नहीं, थकान की नींद है, विश्राम की नहीं। थकान और विश्राम में बहुत अंतर होता है। विश्राम की अवस्था में ऊर्जा पूरी तरह आराम करती है, थकान में ऊर्जा नहीं होती। हारे थके हुए तुम पड़ जाते हो। संभोग के बाद आपको विषाद का अनुभव होगा। उसी प्रकार जब आपके मूलाधार चक्र की ऊर्जा नाभि की ओर उठ जाती है तो आपको हर्ष का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है। जब यह ऊर्जा ऊर्ध्वाधर गमन करने लगती है तो आपको एक अलग प्रकार का आनंद महसूस होता है, एक ऐसी खुशी जैसे विश्राम करने के उपरांत आपको प्राप्त होती है। आप प्रफुल्लित हो जाते हैं, आपके अंदर एक प्रकार से कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगती है। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आपके अंदर ताजगी आ गई है। जो लोग अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं और उनकी मूलाधार चक्र से उठ रही ऊर्जा ऊर्ध्वाधर गमन करने लगती है तो उन्हें एक अलग प्रकार का संतोष होने लगता है। उन्हें नींद ही नहीं आती, उन्हें नींद की आवश्यकता ही नहीं होती। वो थोड़े समय सोकर भी उतने ही ताजे हो जाते हैं जैसा और लोग 8 से 10 घंटे की नींद लेने के बाद ताजे होते हैं। क्योंकि आपके शरीर को रोज ऊर्जा को भरना पड़ता है, रोज शरीर के अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा का संचालन करना होता है। लेकिन आप करते क्या हो कि रोज उस ऊर्जा को उलेट देते हो, रोज उस ऊर्जा को बाहर निकाल देते हो। यह चक्र चलता रहता है, रोज भोजन लो, शरीर को ऊर्जा दो, फिर उस ऊर्जा को उलेट दो, और फिर यही चक्र चलता रहता है। लेकिन जब ऊर्जा का ऊर्ध्वाधर गमन होता है तो यह एक अलग प्रकार का आनंद देता है। जब ऊर्जा का गमन मूलाधार चक्र से सहस्त्रार्थ चक्र की ओर होता है तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की ताजगी पैदा होती है, एक आनंद, एक खुशी पैदा होती है जो आपको इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है। यह मूल बंध की प्रक्रिया है। जब भी आपको काम वासना घेरे तो आप अपने मूल को बंद कर लीजिए, उसे सिकोड़ लीजिए, और जब ऊर्जा का गमन ऊपर की तरफ होगा आप काम वासना से मुक्त होते चले जाएंगे। काम वासना आप पर हावी नहीं हो पाएगी। देखिए, आपको काम वासना तभी घेरती है क्योंकि काम वासना की ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र पर रहती है, और जब आपके अंदर काम वासना जागृत होती है तो यह ऊर्जा नीचे की तरफ धक्का देने लगती है, और जब यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से नीचे की ओर गमन करने लगती है तब आपकी काम वासना आप पर हावी होने लगती है। कहते हैं मूल बांध सर गगन समाना, अर्थात जब तुम यह जान जाते हो कि ऊर्जा को कैसे बांधना है, मूल को बांध के ऊर्जा को कैसे नाभि तक पहुंचाना है, तब आपको जब भी काम वासना घेरे आप इस प्रकार प्रयोग कीजिए, अपने मूल को बंद कर लीजिए और ऊर्जा का गमन नाभि की तरफ कर दीजिए, आप काम वासना से मुक्त हो जाएंगे। जैसे जैसे ऊर्जा आपकी नाभि में भरने लगती है ऊर्जा का गमन ऊर्ध्वाधर होता चला जाता है और यह आपके अनेक चक्रों को जागृत करता हुआ ऊपर की तरफ उठता जाता है। जिस प्रकार किसी बर्तन में और पानी डालने से उस पानी की सतह ऊपर उठने लगती है, ठीक उसी प्रकार नाभि में ऊर्जा एकत्रित करने से वह ऊपर की तरफ गमन करने लगती है। सबसे बड़ी बात मूल बंद लगाना है। जिस प्रकार घड़े का छेद बंद कर दिया जाए तो घड़े के जल का स्तर ऊपर की ओर उठने लगता है, इसी प्रकार जब आप अपने मूल को बंद कर लेते हैं तो ऊर्जा का गमन ऊपर की तरफ होने लगता है, और आप एक दिन ऐसा पाएंगे कि आपकी ऊर्जा नाभि से ऊपर की तरफ जा रही है, और आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपका हृदय एक नई प्रकार के आनंद, एक नई प्रकार की ऊर्जा से प्रफुल्लित होता जा रहा है। देखिए, हम बहुत बार कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं उनसे, हम प्रेम करते हैं सबसे, लेकिन आप प्रेम कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके हृदय में ऊर्जा है ही नहीं। जब ऊर्जा है ही नहीं तो आप प्रेम कैसे कर सकते हैं? आप लाख कहते रहिए कि आप प्रेम करते हैं, आप प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम तभी हो सकता है जब आपके हृदय में ऊर्जा हो। प्रेम तभी घट सकता है जब हमारे हृदय चक्र में ऊर्जा आती है। तो आप कहते रहिए कि आप प्रेम करते हैं, प्रेम हो ही नहीं सकता।
हम सिर्फ यह दिखावा करते हैं कि हम प्रेम करते हैं अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, लेकिन वास्तव में हम सिर्फ अपने आप को प्रेम करते हैं। यह सब सिर्फ दिखावा है। हम प्रेम सिर्फ अपने आप को करते हैं और वह भी बहुत कम मात्रा में, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा है ही नहीं जो हमारे प्रेम को बढ़ाएगी। जब आपकी ऊर्जा नाभि से हृदय की ओर गमन करेगी और यह ऊर्जा आपके हृदय तक पहुंचती है, तब आप महसूस करेंगे कि आप प्यार करने लगे हैं और लोग जो आपके आसपास रहते हैं वो भी महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ बदलाव आया है, पहले वाले नहीं रहे। तुम्हारे अंदर एक नए प्रकार की ऊर्जा आ चुकी है, एक नए प्रकार की तरंग आ चुकी है। आपका आभा मंडल खिल जाता है। जब आपका आभा मंडल खिल जाता है तो आप जिधर भी जाएंगे, जो भी चीज छुएंगे, जिसे भी देखेंगे, वह मुस्कुराने लगेगा। एक अलग प्रकार की ताजगी का बहाव हो जाएगा। आपका एनवायरमेंट, आप जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का विस्तार होगा। यह तभी होगा जब आपके हृदय में ऊर्जा आएगी, और यही ऊर्जा जब आपके हृदय चक्र से कंठ की ओर गमन करती है तो आपके कंठ में एक मधुरपन आ जाएगा। आपका बोलने का तरीका और लहजा मधुर हो जाएगा। लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे क्योंकि आपका वे ऑफ टॉकिंग बदल गया है। आप लोगों को अपने मीठे बोल से प्रभावित कर रहे हैं और इसी प्रकार यह ऊर्जा आगे की तरफ गमन करती है। तो एक मूल पर बंध लगाने के बाद से ही आप काम वासना से बाहर आने लगते हैं, और जब आप काम वासना से बाहर आने लगते हैं तो आपके अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन स्वतः ही आपके आसपास के लोग देखकर प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर आप काम वासना से मुक्ति चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने मूल पर बंध लगाइए और ऊर्जा का गमन ऊर्ध्वाधर कीजिए, और जब यह ऊर्जा का गमन ऊर्ध्वाधर हो जाएगा आप काम वासना से मुक्त हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।